आम का कूचा तो आपने ज़रूर खाया होगा। आज हम बनाने वाले हैं अमड़िया का कूचा, बिल्कुल देसी तरीके से, कम मसालों में, कम तेल में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत जल्दी बन जाता है और आपकी खाने के टेस्ट को भी ये दुगना कर देगा। अभी के मौसम में मार्केट में अमड़ा बहुत मिलता है, तो लोग इसकी चटनी भी बनाते हैं, इसके अचार भी बना के रखते हैं। तो आज हम भी बनाएंगे अमड़े की कूचा बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कुछ अमड़े लिए हैं और इससे पहले हम अच्छी तरीके से इसे धो लेते हैं, और धोने के बाद जो इसके ऊपरी वाली पार्ट है ना, इसको हम काट के पहले अलग कर देते हैं। और इसका जो मैं अभी अचार बनाना के लिए आपको बता रही हूँ ना, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, आप डेली भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही कम मसाले में बनती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है और कम तेल में भी बनती है। तो पहले इस तरीके से हमें इसे काट लेना है, दो इसके दो फांक कर लेने होते हैं। आप जैसे आम का कूचा बनाते हैं वैसे ही अमड़ा का कूचा है, तो पहले हम इसे इस तरह से काट लेते हैं। सभी को पहले हमें काट लेना है। और इसके मसाले वाले भी अचार बनते हैं जो मेरे घर पे बनाए, बहुत साल पहले का बना के रखा हुआ है, जो कि अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारी कटिंग हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बस मिक्सर जार लेना है और मिक्सर जार में इसे मिक्सर को एक बार बस चलाना है। इसको हमें हल्का दरदरा बनाना है, तो हम बस थोड़ा सा डालेंगे और बस ज़्यादा नहीं चलाना, इसकी चटनी नहीं बनाना है, पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाएंगे, बस मिक्सर में एक बार इसे हमें चला लेना है। इस टाइप से हमें दरदरा कर लेना है। तो पहले इसको चला के हम सबको पहले इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, उसके बाद इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अजवाइन और कलौंजी है, इसे ज़रूर डालेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है अचार। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और यहाँ पे फिर हम डाल देंगे सरसों तेल। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, सभी मसालों को कूचे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम ज़्यादा मसाले और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ही सा में हम इसे बना के तैयार करेंगे। और आप इसे 1 दिन धूप दिखा दें और इसके बाद आप इसे खाएं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये कम मसाले में बन के तैयार हो जाता है हमारा ये अमड़ा का कूचा। और अगर आपको अमड़ा का मसाले वाली, ज़्यादा मसाले वाली अचार की रेसिपी देखनी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई सी वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आएंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।